जनपद में दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा आतिशबाजी होने वाले अग्नि दुर्घटना में जनधन की हानि को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में आतिशबाजी ज्यादा होती है, जिसको देखते हुए जनपद में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में आतिशबाजी की कुल 36 दुकानें हैं। इन दुकानों को मानक के अनुसार सभी व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन के पास 17 गाड़ियां हैं, जिसको जहां आवश्यकता होगी वहां पर लगा दी जाएगी। शहर में 21 अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें हैं, वहां पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए, इसलिए वहां पर भी गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के पटाखों को छोड़ते समय सावधानी बरतें, सूती कपड़ा पहने, आंख में चश्मा लगाएं, आतिशबाजी करते समय किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो सके तथा आतिशबाजी करते समय बाल्टी का पानी पास में रख लें। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री को लेकर लोगों को पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है तथा अग्निशमन द्वारा पटाखों को बनाने व बेचने वाले दुकानों को लगातार टीम बनाकर चेक किया जा रहा है तथा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था मानक के अनुसार पूर्ण रूप से कराया जा रहा है, ताकि दीपावली का पर्व सकुशल सम्पन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी टीके सिंह ने कहा, सर दीपावली पर्व को लेकर अग्निशमन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? दीपावली पर्व हिंदुओं का बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाना पर्व है। इसमें आतिशबाजी की बहुत खरीदारी और विक्रय विकार होता है, जिसको देखते हुए इसमें पूरा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में कुल 23 आतिशबाजी बनाने और बेचने की हैं और 13 केवल बेचने की हैं। अस्थायी तौर पे कुल 36 दुकानें हैं, उनका सबका चेकिंग कर लिया गया है। मानक के अनुसार उनको सबकी व्यवस्था करा दी गई है। सारी दुकानें आबादी से दूर हैं, वहाँ पे पानी की बाल्टी और ड्रम और एक्सटिंग्विशर और बालू पर्याप्त मात्रा में मानक के अनुसार सब में चेकिंग करके सब व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। इसके अलावा शहर में कुल 21 स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस ये दुकानें लगती हैं, जिसमें जहाँ पे भीड़ भाड़ और ज़्यादा संख्या में दुकानें लगती हैं, सब जगह फायर के टेंडर गाड़ियां वहां पे मौके पे खड़ी रहेंगी। सभी स्थानों पे गाड़ियां फैला दी जाएंगी। सभी स्टेशन पे केवल एक एक गाड़ी रोक के सभी जितनी गाड़ियां जनपद में उपलब्ध हैं सभी आतिशबाजी दुकानों पे चौराहों में भीड़ भाड़ स्थानों पे, जिससे रिस्पांस टाइम कम हो, वो देखते हुए सबको ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। और तमाम टीमें गठित की गई हैं, जो भ्रमणशील हैं वो जहाँ पे दुकानें लगेंगी उनको भी है कि वहाँ पे पानी 200 लीटर और बालू 2 एक्सटिंग्विशर रखेंगे, समुचित एक दुकान से दूसरे दुकान के मध्य की दूरी बराबर मेंटेन रखेंगे, कोई नाबालिग लोग विक्रय कार्य नहीं करेंगे, और जो लाइसेंसी है वो मौके पे उपस्थित उनके द्वारा ही किया जाएगा। उस परिसर में कोई क्रेता या विक्रेता किसी के पास ज्वलनशील दिया सलाई या कुछ इस तरह से सामग्री पूरी तरह से वर्जित है, और कोई बड़ी गाड़ियों का वहाँ पर जाना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और हमारी टीमें वहाँ पर रहेंगी, जो आतिशबाजी खरीद के ले जा रहे हैं वो सुरक्षित उसको पैक करके ले जाएं, रास्ते में किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। ऐसे आतिशबाजी जो मानक के अनुरूप नहीं हैं, जो ज़्यादा डेसिबल के हैं, जो प्रतिबंधित हैं, उनको किसी प्रकार से क्रय न किया जाए। जो पटक के दगाने वाले पटाखे हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, उनको क्रय न किया जाए, न विक्रय किया जाए। इस पर पूरी सतर्कता आदेश बनाए जा रहे हैं और क्रेता को भी जागरूक किया जा रहा है। पटाखा खरीद ले जाने के बाद कोशिश करें कि एक दिन या दो दिन पहले रखें और सुरक्षित स्थान खुले में रखें, घर के अंदर न रखें, कोई ऐसी जगह जहां स्पार्क हो ऐसी जगह उनका स्टोरेज न किया जाए। और आतिशबाजी प्रयोग करते समय खुले स्थान पर या छत पर प्रयोग करें, ये ध्यान रखें कि यहाँ आसपास कोई जलने वाली चीज़ नहीं है। कभी कभी रॉकेट एक घरों से दूसरे घरों में पड़ गया, दुकानों में चली जाती हैं, तो उसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को अकेले आतिशबाजी छुड़ाने के लिए उनको न छोड़ा जाए, और काटन के कपड़े पहने, चुस्त टाइट कपड़े पहने सब लोग आतिशबाजी छुड़ाते समय, और वहाँ पे जहाँ भी आतिशबाजी छुड़ाते हैं वहाँ पे पानी बाल्टी में रखें, मग्गा रखें, और जो पटाखे नहीं छूटते हैं कभी प्राय उनको जो है लोग दोबारा प्रयास करते हैं, तो ऐसा प्रयास करते ही न करें, उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाए और उनसे दूरी बना के आतिशबाजी किया जाए। इस तरीके से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, और हम लोगों ने 2316 सचेतक बनाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और हम लोग ने यहाँ लोकल तमाम संस्थानों से बाटिंग प्लांट से पंपलेट छपवाए हैं, सावधानी सतर्कता को देखते हुए उनका प्रचार प्रसार वितरण भी किया जा रहा है, और वृहद स्तर पे इसको चलाया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस तरह से जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, इससे सुरक्षित और खुशहाली दीपावली पर्व अच्छे से मनाया जाएगा और कभी किसी प्रकार का हादसा नहीं हो पाएगा। प्रशासन और हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और बारीकी से इस पर पूरा वो चल रहा है।
तो उम्मीद है कि बढ़िया से अच्छे से त्यौहार हर साल के बाद इस साल भी सकुशल संपन्न होगा। कितनी गाड़ियां और कितने जवान ड्यूटी? 7-17 गाड़ियां हमारे पास हैं। सभी गाड़ियां सभी फायर स्टेशन पे एक एक गाड़ी छोड़ के सभी जो है डिप्लॉयमेंट कर दी जाएंगी, सभी लगा दी जाएंगी। और 21 अस्थायी दुकानें हैं जो शहर में, जहाँ पे लाइसेंस खुले ज़्यादातर उसमें इंटर कॉलेज में है, खुले पार्क में है, सारे बाहर हैं आबादी से। और जहाँ पे 50 या 50 से अधिक दुकानें हैं, सब जगह हमारी गाड़ियाँ मौके पे वहाँ पे उस स्थान पे खड़ी रहेंगी और वहाँ पे प्रचार प्रसार भी करती रहेंगी और सुरक्षा के तौर मुस्तैद रहेंगे। जब तक दुकानें खुलती और बंद नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे मुस्तैदी से 22 तारीख से लगा दी जाएंगी। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे आतिशबाजी खरीदें जो कि जो कंपनी के मेड हों और मानक के अनुसार हों। ज़्यादा आवाज़ वाले बम वाले न खरीदें, पटकने वाले पटाखे न खरीदें और उसको ले जाते समय भी सुरक्षित पैकिंग करके घर पे ले जाएं और घर में उसका स्टोरेज सही जगह पे 1-2 दिन पहले ही खरीदें। ज़्यादा पहले से उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आतिशबाजी करते समय उनको खुले अकेले न छोड़ा जाए, उनके साथ बड़े लोग रहें वहाँ पर। कपड़े कॉटन के हों और चुस्त हों, टाइट हों। और जहाँ पे खुले स्थान पर आतिशबाजी करते समय वहाँ पे पानी का बाल्टी 2 बाल्टियाँ मग्गा स्टोरेज करें और आसपास कोई जलने वाली चीज़ नहीं उसको ध्यान में रखते हुए रॉकेट को भी सावधानी से उसको बॉटल में रख के सीधा करके ही उसको छुड़ाएं। इन सब चीज़ के लिए हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं जिससे कि खुशहाली का पर्व जो है खुशहाली से इसको मनाया जाए, किसी प्रकार का कोई हादसा न हो और सुरक्षित दीपावली मनाएँ और सब लोग खुशहाली से इस त्यौहार को संपन्न कराएं।